हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं रिव्यू करूंगी ये सनस्क्रीन। ये है स्किन एक्वा सन प्ले यूवी सुपर मॉइस्चर जेल विद SPF 50+। सबसे पहले तो मैं ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि ये पाकिस्तानी सनस्क्रीन नहीं है, ये एक जैपनीज सनस्क्रीन है। मैंने पहले एक वीडियो में एक दफ़ा इसका जिक्र किया था तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि ये पाकिस्तानी सनस्क्रीन है। जी नहीं, ये एक जैपनीज सनस्क्रीन है। रोटो मैंथोलेटम नाम की एक कंपनी है जो कि जैपनीज कंपनी है, वो ये सनस्क्रीन बनाती है। बल्कि स्किन एक्वा के नाम से उनकी एक पूरी रेंज है सनस्क्रीन्स की, जिसमें बहुत सारी सनस्क्रीन्स हैं, जिनमें से एक ये भी है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में सिर्फ यही अवेलेबल है। और ये सनस्क्रीन मैंने अपने लास्ट जो मेरा हांगकांग का ट्रिप था वहाँ से हांगकांग से ख़रीदी थी। ये देखिए, इसकी पैकेजिंग भी चाइनीज़ में है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अवेलेबल है, जिस कंट्री में अवेलेबल होती है उसी के हिसाब से पैकेजिंग बनाई जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सनस्क्रीन वहीं पर बनी है। ये एक केमिकल सनस्क्रीन है, बहुत लाइट वेट है और लोशन की तरह का बहुत ही लिक्विडी टेक्सचर है इसका। और ये स्वेट प्रूफ भी है, मतलब कि समर के लिए बेस्ट है। और इसके अंदर है SPF 50+, यानी कि अमेजिंग सन प्रोटेक्शन। इसके अंदर 4 UV फिल्टर्स हैं। पहला है ऑक्टिन ऑक्सेट, जो कि बहुत अच्छी सन प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट UVB रेज। इसके अलावा इसके अंदर 3 और UV फिल्टर्स हैं जो कि बहुत ही एडवांस्ड केमिकल UV फिल्टर्स हैं, और वो अभी सिर्फ जैपनीज सनस्क्रीन्स में पाए जाते हैं। अभी FDA ने उनको अप्रूव नहीं किया, इसलिए आपको वो अमेरिकन सनस्क्रीन्स में नज़र नहीं आते। सेकेंड UV फिल्टर है UVNL A+, न्यू जनरेशन केमिकल UV फिल्टर है और ये हाईली फोटोस्टेबल है। तीसरा UV फिल्टर है टिनजॉर्ब S, वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन एजेंट, और ये आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन प्रोटेक्शन देता है। चौथा UV फिल्टर है UVNL AT 150, और ये भी एक न्यू जनरेशन केमिकल UV फिल्टर है, जैपनीज सनस्क्रीन्स में पाया जाता है, और ये भी हाईली फोटोस्टेबल है। मतलब फोटोस्टेबल होने का मतलब है कि ये फार्मूला जो है सनस्क्रीन का, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा और ये आपको मैक्सिमम सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर जो इनएक्टिव इन्ग्रीडियंट्स हैं उनमें है ग्लिसरीन, जो कि एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, और इसमें है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड इसमें 2 टाइप का है, सोडियम हाइलुरोनेट, जिसके बारे में मैं बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ, बहुत अमेजिंग स्किन केयर इन्ग्रीडियंट है, और दूसरा है सोडियम एसिटाइलेटेड हाइलुरोनेट। ये लॉन्ग टर्म स्किन हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, ज़्यादा टैकी भी नहीं होता, और इसके साथ आपको स्किन पर एक बहुत ही सिल्की और स्मूथ फीलिंग मिलती है। इसके अलावा इस सनस्क्रीन में हैं हाइड्रोलाइज्ड कोलेजिन्स, जो कि स्किन के लिए बहुत मॉइस्चराइजिंग होते हैं। जिस फार्मूला में हाइड्रोलाइज्ड कोलेजिन्स होते हैं उसको लगाने से स्किन बहुत ही नरम और स्मूथ महसूस होती है। इसमें फ्रेग्रेंस भी नहीं है और एसेंशियल ऑयल्स भी नहीं है, और इसका फार्मूला बहुत अमेजिंग है। स्प्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब कि फार्मूला बहुत ही प्यार से आपकी स्किन पे ग्लाइड करता है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको लगाने से पसीना भी नहीं आता, कोई वाइट कास्ट नहीं देती और कोई हैवी फीलिंग नहीं देती, मतलब कि इट्स परफेक्ट फॉर समर सीजन। ये सनस्क्रीन नॉर्मल, ड्राई और कम्बिनेशन स्किन वालों के लिए सूटेबल है, और ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है। अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है या सेंसिटिव है तो शायद ये सनस्क्रीन आपको सूट ना करे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी अल्कोहल है, तो हो सकता है कि ये आपको सेंसिटिव एरियाज पर थोड़ी इची फील हो। इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव सिस्टम है वो पैराबेंस हैं, तो अगर आप पैराबेंस वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते, अवॉइड करते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। आई डोंट माइंड यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट हैव पैराबेंस। इसकी पैकेजिंग अब अच्छे से देख लें, ये इस तरह की बॉटल में आती है वाइट कलर की, और इसका गोल्डन कलर का लिड है। इसके अंदर 80 ग्राम प्रोडक्ट होता है, और इस तरह की ये पैकेजिंग है इसकी, ताकि आप असली और फेक में डिफ्रेंशिएट कर सकें। And that was all for today's video. I hope aapko aaj ki video achhi lagi hogi. Give it a thumbs up and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next one. Bye.